कहते हैं अकल की मार सबसे खराब होती है। यूरोप में पहले से ही परेशान था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान की डिफेंस के लिए कब्र खोदने वाला काम कर दिया है भारत ने। जानेंगे क्या है कार्ल गुस्ताफ M4 और क्या है जिसके कारण भारत ने स्वीडन को 100% FDI की अनुमति दे दी। क्या पाकिस्तान को किसी और रूप से टारगेट करना है? आपको बता दें, इस हथियार से पाकिस्तान को नहीं मारना है, लेकिन इसके पीछे जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पाकिस्तान को तबाह कर देगी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कौन है यहवा सिनेवार, जिसकी कसम खाली है इजराइल के रक्षा मंत्री ने, मार कर ही दम लेंगे। कौन है ये और क्या इजराइल ऐसा कर पाएगा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको सुबह एक खबर दी थी, जिस खबर में बताया था कि अरब देश चाहते हैं जल्दी से जल्दी मामला सुलट जाए और यहाँ हो जाए सीज फायर। लेकिन इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि देखो भाई, हम यहाँ पर सीज फायर करने वाले नहीं हैं। हमास के लीडर भी अब कह रहे हैं दूसरे से तीसरे से कि भैया यहाँ पर सीज फायर करवा दो, उसके बाद ही चीजें हम आगे बढ़ाएंगे, यानी बातचीत करेंगे। पर आपको बता दें, इजराइल इस वक्त रुकने वाले मोड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि इजराइल ने हमास के लीडर्स को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। अब लीडर्स को क्यों? तो देखिए, इजराइल ये सोचता है कि अगर लीडर को ही खत्म कर दें, जहाँ से आदेश आते हैं छोटे छोटे पत्ते को, तो अगर जैसे ही हम खत्म कर देंगे कमांडर्स को, तो वैसे ही आदेश मिलने बंद हो जाएंगे। और जब आदेश मिलने बंद हो जाएंगे तो अचानक से चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, उस तरीके से चलेंगी नहीं। स्क्रीन पर देखिए, अब तक 2 बड़े कमांडर को मार चुका है और कह रहा है कि इजराइल कमांडर्स को टारगेट ज्यादा कर रहा है। इसी बीच इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं गैलेंट ने ये कहा है कि हमें मारना है यहवा सिनेवार को और उसे खत्म करना है। इजराइल की सेना को एक टारगेट दे दिया गया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शनिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि हमने यहाँ पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हमारे 28 सैनिकों की मौत हो गई है। गैलेंट ने कहा कि युद्ध के अंत में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध के अंत में गाजा में हमास नहीं रहेगा, गाजा पट्टी से इजराइल के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं होगा और इजराइल को धमकी देने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा कार्रवाई को करने की पूर्ण आज़ादी होगी। आपको बता दें, अब ये नेता है कौन? तो ये नेता कई बार देखने को मिलता है, कई सारे मंचों पर देखने को मिलता है और ये अक्सर इजराइल के खिलाफ ही बात करते हैं। फिलिस्तीन में ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट करते हैं, तैयार करते हैं। तो यही वजह माना जा रहा है कि यहाँ पर गैलेंट टॉप के कमांडर्स को सबसे पहले निशाने पर लेना चाहते हैं। अब आगे देखना होगा कि इस युद्ध के नतीजे क्या आते हैं। पर आपको बता दें, जहां इस युद्ध के नतीजे अभी आने में देर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा खेल कर दिया है पाकिस्तान के साथ। क्या खेल किया है? तो थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल आपको दिख रहा है, ये आर्टिकल कब का है? 26 अप्रैल 2010 को ये न्यूज आई थी और इस न्यूज में ये कहा गया था कि पाकिस्तान को दूसरा अवाक सिस्टम दे दिया है स्वीडन ने। पहले स्वीडन ने जो डील की थी उस डील को छिपाया गया था। ये रिपोर्ट देख सकते हैं, साहब ने कहा था कि हाँ जी, हमारे से ना एक डील हुई है, एक ऐसे देश की डील हुई है जो डील हमारी एशिया से हुई है, नाम नहीं बताया था और अक्सर ऐसे ही करते थे ये। तो इन्होंने अवाक सिस्टम दिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम। पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा हथियार आना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। साब 2000 एयरक्राफ्ट जिसमें लगे हुए हों एरी रडार सिस्टम, ये भी देने की बात हुई। हालांकि इन्होंने दे भी दिया। देने के बाद क्या हुआ कि एक पे तो TTP ने हमला कर दिया और TTP ने उसे बर्बाद कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। पाकिस्तान के अंदर जो TTP था
2012 में इसने उसे बर्बाद कर दिया। और ये हुआ भी कहाँ पर था? मिन्हास एयरबेस, वहाँ उस समय भी इसी तरीके से एयरबेस पे हमला हो गया और उसके बाद से यहाँ पर ये सिस्टम खराब हो गया। इस सिस्टम के खराब होने के बाद नवाज शरीफ आए और नवाज शरीफ ने कहा स्वीडन को 2015 में कि आप हमें ये नया करके दो, हमारे जो विमान है उसमें वार्निंग सिस्टम लगा दो, रडार लगा दो। और स्वीडन ने कहा हाँ जी खुशी खुशी, क्यों नहीं लगाएंगे। खूब बढ़िया से चल रही थी स्वीडन और पाकिस्तान की दोस्ती। कैसी दोस्ती? ऐसी दोस्ती कि स्वीडन ने भारत के आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी बयान दिया था। ये देखिए, दो दिन पहले रॉयल विजिट होने वाली थी भारत में, लेकिन उससे पहले स्वीडन ने एक बड़ा टफ स्टेटमेंट भेज दिया था भारत को कि तुमने जो किया है कश्मीर में ये बड़ा ही गलत है। जबकि स्वीडन के राजा रानी भारत आ रहे थे। मतलब इतना पुराना वाला याराना था पाकिस्तान के साथ, इतनी अच्छी दोस्ती थी इनकी। पर अचानक से 2023 आते आते बहुत कुछ बदलने लगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्वीडन ने अपने एम्बेसी के स्टाफ को पाकिस्तान से निकाल लिया अनिश्चित काल के लिए। और क्यों निकाला? कहा कि सुरक्षा नहीं है हमारे स्टाफ को लेकर। क्यों सुरक्षा नहीं है? तो इससे पहले एक कांड हुआ था, स्वीडन में कुरान जलाया गया था, एक शख्स ने कुरान जलाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान में भी प्रदर्शन होने लगे। ये सब प्रदर्शन वगैरह में तो वैसे भी पाकिस्तान आगे रहता है। फ्रांस में कांड हुआ था तो भी पाकिस्तान में इसी तरीके के प्रदर्शन होने लगे थे। तो स्वीडन और पाकिस्तान में थोड़ी सी खटास आई, लेकिन ऐसी खटास कोई बड़ी खटास नहीं कि डिफेंस के समझौते में प्रॉब्लम हो जाए। डिफेंस के लिए इस वक्त पाकिस्तान कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर है और यूरोप में स्वीडन पर ज्यादा निर्भर है। अब स्क्रीन पर दूसरी खबर देखिए और उसके बाद उसके पीछे का गेम समझिए। होता ये है, भारत स्वीडन की कंपनी को कहता है चलो भैया तुम्हें दिया हमने ऑर्डर, तुम बनाओ कार्ल्स गुस्ताफ M4 और चलो तुम्हें 100% FDI भी दे दिया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, आपको बता दें भारत इस वक्त 74% ही FDI दे रहा है किसी दूसरे को, बाकी के हिस्सेदारी अपनी रख रहा है। लेकिन पहली बार स्वीडन को कहा कि तुम 100% की FDI लो, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तुम्हारा, तुम हमारे जमीन पर आकर काम करो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हमारे लोगों को रोजगार दो और हमें दो कार्ल्स गुस्ताफ। स्वीडन भी खुश, क्योंकि पहले स्वीडन ने भारत से ग्रिपेन ई विमान लेने की बात कही थी, लेकिन ग्रिपन ई विमान भारत के लिए कोई काम का नहीं है। पुतिन भी मजाक उड़ा चुके हैं ग्रिपन ई विमानों का। उन्होंने कहा था कि अगर भारत ग्रिपन ई लेगा तो उसके पास तो तेजस पहले से ही है, लेकर क्या करेगा इसे। तो ग्रिपन ई विमान से तो डील नहीं हुई, लेकिन भारत ने कार्ल्स के लिए ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ देखिए क्या खेल होगा। पहले फ्रांस भी पाकिस्तान को खूब सारे हथियार देता था, अब स्वीडन को धीरे धीरे भारत अपने यहाँ जमीन दे रहा है, यानी कल की डेट में स्वीडन भी अब हथियारों को बंद करेगा पाकिस्तान के रास्ते जाना और यूरोप में अपना एक और बड़ा साथी खो देगा पाकिस्तान। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।